हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मोबाइल ऑक्टापैड सीरीज का छठा वीडियो आप लोगों के लाए हैं। आप लोगों को थंबनेल देखकर ये पता चल ही गया होगा कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज हम मोबाइल ऑक्टापैड का जो स्टिक होता है वो बनाना सिखाएंगे। तो इस पर तो बहुत जनों ने वीडियो बनाई है, मैंने YouTube पे सर्च किए, बहुत वीडियो मिले हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए ये स्टिक बनाया है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। ना इसमें आपको कोई रुई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह स्टिक आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए हमने ये कैसा बनाया है, और यह हमने एक पेंसिल से बनाया है। देखिए, ये एक पेंसिल है और इसमें जो ये पेपर यूज किया है हमने, तो ये पेपर हमारा जो गिफ्ट वाला होता है, जो गिफ्ट पैकिंग करने के लिए यूज करते हैं, ये आपको कहीं भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना कैसे है। तो हमको सबसे पहले एक ये देख सकते हैं, ये पेंसिल लेनी है। तो पेंसिल में जो हमने बनाया है ये तोड़ के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पेंसिल, हम इसको फाड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पेंसिल का जो रबर होता है उस रबर को हमें सामने की तरफ पर रखना है, और पूरे ही पेंसिल में हमको यह पेपर फेविकोल के माध्यम से या कोई भी ग्लू हो तो उसके माध्यम से हम इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें पूरा चिपकाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का पेपर फट गया, तो ये हमारा पेड नहीं बज रहा है, टच नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम इसमें ये छोटा सा पेपर पहले से कटा हुआ है, हम इसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसके लिए हम एक कटर यूज करेंगे, कटर से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको कट कर दिया और इसको इसमें ऐसे, इसको इसमें ऐसे हमने डाल दिया। देखिए ये, और सामने को हम टेप से लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टच नहीं हो रहा। क्यों टच नहीं हो रहा? क्योंकि ये पेपर बीच से आधा हमारा कटा हुआ है। तो हमको इसमें कैसा पेपर यूज करना है, पूरा जो यहाँ से लेकर, जो हमारा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रहे, तो वो पेपर हमको इसके लिए यूज करना है। तो ये पेंसिल आप देख ही रहे हैं, ये पेंसिल का जो रबर वाला हिस्सा होता है तो उसको हमको स्क्रीन की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ रखना है, और बाकी पूरे पेंसिल में हमको ये पेपर फेविकोल या ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। तो चलिए, हमारा तो यहाँ से पेपर पहले से चिपका हुआ है, तो आप इसे चिपका लें। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और यहाँ से जो सामने का हिस्सा हमने फाड़ा है, तो ये सामने के हिस्से में हम ये पेपर सेलो टेप की सहायता से चिपका लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको ऐसे, और ये हमारा सेलो टेप, इस सेलो टेप की सहायता से चिपका लेते हैं। तो ये देखिए, सेलो टेप की सहायता से हमने इसको चिपका लिया। तो ये सेलो टेप आपको ध्यान से चिपकाना है, जहाँ पर आप हाथ रखेंगे वहाँ पर कोई भी टेप नहीं चिपकाना है, नहीं तो ये लकड़ी काम नहीं करेगी। तो अब देखिए, हमारी लकड़ी काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
ये देखिए हमारी लकड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। ये देखिए थोड़ा सा ही टच करने पर ये हमारा काम कर रहा है। तो देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये काफ़ी सरल तरीका है। देखिए पेंसिल का है, हमने इसमें कोई रुई या कोई भी वाटर ऐड नहीं किया है। तो इसे आप बनाएं और बजाएं, तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कहीं भी पानी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा, आप सीधे अपना स्टिक निकालें और पेट बजाना शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अपना ये वाला हिस्सा है, हम इसको फेविकोल की सहायता से ऐसे चिपका देंगे, इसको ऐसे दबाएंगे और इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको चिपका देंगे जो हमने पहले से बना के रखा है। तो देखिए ये बिल्कुल आसानी से, तो ये बिल्कुल आसानी से हमारा वर्क करता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टिक होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा इस वीडियो का लाभ है जो आपके फ्रेंड तक भी पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।